नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 दिसंबर शुक्रवार दोपहर 3 बजे राजस्थान श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की खास खबरें। निजी स्कूल फीस विवाद मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने आज शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि निजी स्कूलों 28 अक्टूबर की राजस्थान सरकार की सिफारिशों के अनुसार फीस ले सकेंगे। हाईकोर्ट के सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों हाईकोर्ट के निर्देश पर एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी ने 28 अक्टूबर को अपनी सिफारिशें सौंपी थी। कमेटी की सिफारिशों में कहा गया था कि जो भी विद्यालय ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं वे ट्यूशन फीस का 70% हिस्सा बतौर फीस ले सकते हैं। इसके अलावा स्कूलें खुलने के बाद जितना कोर्स संबंधित बोर्ड की ओर से तय किया जाएगा उसी के अनुसार स्कूल फीस ले सकेगा। श्रीगंगानगर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए एग्रीकल्चर कॉलेज का लोकार्पण किया। इसके अतिरिक्त जिला मुख्यालय पर ही उन्होंने 4 अन्य सौगात भी दी। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट, 50 बेड के विशेष अस्पताल का भी उन्होंने लोकार्पण किया। इसके अतिरिक्त सूरतगढ़ के तापीय परियोजना की नई इकाई का भी अवलोकन किया और इस अवसर पर सीएम ने कहा कि किसानों और उद्यमियों को बिजली की कमी नहीं आने दी जाएगी। इस अवसर पर राजकुमार गौड़ ने भी संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। हनुमानगढ़ जिले के नोहर थाना क्षेत्र में मुर्गी फार्म के मालिक के मकान में लाखों रुपए की चोरी हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद डॉग स्क्वाड टीम को भी मौके पर बुलवा लिया। पुलिस ने बताया कि धालेवाला गांव निवासी मांगीलाल जाट के मकान का ताला तोड़कर अज्ञात व्यक्ति 20 लाख रुपए नकद और 30 तोला सोने के जेवरात के अलावा कीमती सामान चोरी कर ले गया। यह वारदात 16 और 17 दिसंबर के मध्य रात्रि को हुई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बीकानेर जिले के महाजन थाना क्षेत्र में ऑनलाइन मार्केटिंग, ट्रेडिंग, शेयर मार्केटिंग के नाम से फर्जी कंपनी बनाकर रुपए डबल करने का झांसा देकर करीब 2.5 करोड़ रुपए का गबन कर फरार होने वाले 3 आरोपियों को महाजन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि बीकानेर सदर थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में यह वारदात हुई थी। जैसलमेर निवासी जोगेंद्र सिंह व हरियाणा के विकास जांगड़ा ने मिलकर एजुकेशन पूल नाम से एक कंपनी बनाई थी। इसमें गिरफ्तार किया गया है। इनका ऑफिस बीकानेर में खोला गया था। इसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम से काम हो रहा था और 9 महीने में रुपए डबल करने की स्कीम बताई गई थी। मामले में एक अन्य की तलाश की जा रही है। श्री गंगानगर के खनन विभाग के अधिकारी छगनलाल और बाबू हरि निवास को रिश्वत लेते गुरुवार शाम को गिरफ्तार किया गया था। इनके खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर स्थानीय अधिकारियों ने गुरुवार देर रात तक कार्रवाई को पूर्ण किया था। जोधपुर स्थित अधिकारी के निजी आवास पर भी तलाशी लेने का कार्य किया जा रहा है। श्री गंगानगर जिले की कोतवाली थाना में एक महिला ने कई जनों के खिलाफ विदेश भेजने और वहां एक कंपनी में नौकरी लगवाने के नाम पर 1,82,000 रुपये हड़पने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि जसवीर कौर निवासी करणपुर ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि उसका पति सुरजीत सिंह कनाडा जाना चाहता था। इस दौरान नई दिल्ली निवासी प्रमोद कुमार तथा इंद्र कुमार से जान पहचान हो गई। फरवरी 2020 माह में आरोपियों ने 1,82,000 रुपये लिए थे। इन्होंने उसके मूल दस्तावेज भी ले लिए थे लेकिन काफी दिनों तक उसके पति को कनाडा नहीं भेजा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर जिले के बाड़ी थाना क्षेत्र से एक 18 साल की लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। पुलिस ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि कुछ लड़कियां बहला फुसलाकर उसे बाजार ले गई और उसके बाद उसने कुछ साथी लड़की को बुलेरो गाड़ी में लेकर गए थे जिसका अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। वहीं इस मामले में लड़की की माँ ने पुलिस की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस लड़की की तलाश कर रही है। इसके लिए सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है। श्रीगंगानगर जिले के घड़साना थाना क्षेत्र में मंगनी होने के कुछ दिन बाद ही एक 22 वर्षीय युवती अपने परिजनों को चकमा देकर कहीं चली गई है। पुलिस ने बताया कि कस्बा निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि उसकी 22 वर्षीय पुत्री 16 दिसंबर की रात्रि को गायब हो गई है। वह रात को अपने कमरे में सोई थी, सुबह देखा तो कमरे में नहीं थी। अनमोलदीप की इसी माह में मंगनी हुई थी और कुछ समय बाद ही शादी होने वाली थी। पुलिस युवती की तलाश कर रही है। शुक्रवार को तेज धूप निकलने से श्रीगंगानगर के लोगों ने राहत की सांस ली है। पिछले सप्ताह बारिश के बाद कोहरे और शीतलहर ने यहां अपने पांव जमा लिए थे जिस कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। आज प्रातः 8 बजे ही सूर्यदेव के दर्शन होने के उपरांत तेज धूप ने लोगों को राहत प्रदान की।
श्री गंगानगर जिले के महिला थाना में महिला ने एक व्यक्ति के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। आरोपित युवक एक बैंक का कर्मचारी है। पुलिस ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र गांव निवासी महिला ने मुकदमा दर्ज करवाया कि सोनू नामक युवक ने करीब 8 माह पहले उससे दोस्ती की थी। पीड़िता का आरोप है कि सोनू ने करीब 8 माह तक उनको पत्नी बनाकर अपने साथ रखा, बाद में शादी करवाने से इनकार कर दिया। पीड़ित महिला 2 बच्चों की माँ है और वह अपने पति से अलग रह रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागौर जिले में शेरानी आबाद कस्बे के निकटवर्ती ग्राम बड़ी खाटू स्थित दरगाह हजरत समन दीवान में बीती रात चोरों ने दान पात्र के ताले तोड़कर उसमें रखी राशि चुरा ली। चोर दान पात्र से लगभग 2 लाख रुपए से अधिक की नकदी चुरा ले गए। सुबह की नमाज के वक्त लोगों ने दरगाह शरीफ का दरवाजा खोला तो देखा कि दरगाह में रखे दान पात्र के ताले टूटे हुए हैं, उसमें से सभी रुपए निकाले हुए हैं। दरगाह से जुड़े लोगों ने इसकी सूचना बड़ी खाटू थाने में दी। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर जिले के रावला थाना क्षेत्र में एक बैंक कर्मचारी दिनेश बंसल की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह ड्यूटी करने के बाद बाइक लेकर अपने गांव की ओर जा रहा था। उसी दौरान उसकी बाइक के आगे एक जानवर आ गया। उसे बचाने के चक्कर में वह बाइक सहित गिर गया था। सिर में खंबीर चोट लगने पर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि 281 हेड के पास पहुंचा तो उसकी बाइक के आगे अचानक एक जानवर आ गया था। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।